नमस्कार दोस्तों, आज आपको बताऊंगा कि अगर आप व्हाट्सएप में जो भी चैट करते हैं, जो भी अपने फ्रेंड या कोई गर्लफ्रेंड या कोई कहीं भी अगर आप चैट करते हैं तो आप उस चैट को जो कि डिलीट कर देते हैं, फिर भी अगर नहीं डिलीट हो पाता है सारे का सारा, आप जो भी चैट करते हैं कोई भी वीडियो आता है जो कि आपको व्हाट्सएप में जो कि सेव करके वो व्हाट्सएप आपको रख लेती है। अगर ये बात आप नहीं जानते हैं तो आज हम आपको बताएंगे कि आप जो भी चैट या कोई भी जो भी कमेंट या किसी के पास जो भी नंबर से आप करते हैं व्हाट्सएप यूज करते हैं तो सारा का सारा ये वीडियो जो भी चैट करते हैं अच्छा उधर से आता है वो आपका सेव हो जाता है। उसे आप कैसे डिलीट कर सकते हैं, अगर आप डिलीट भी कर देते हैं फिर भी आपको सेव रहता है तो उसे सेव वाले जगह पर हम कैसे वहाँ जो कि डिलीट करेंगे, यानी कैसे हम उसको ऑफ है तो उसे ऑन करेंगे ताकि हम कोई भी चैट करते हैं या कोई भी अगर डिलीट भी कर दे तो वहाँ आप सेव ना रहे। तो चलिए हम एक बार आपको व्हाट्सएप ओपन कर लेते हैं। तो देखिए हमने व्हाट्सएप जो कि ओपन कर लिया। ओपन आपको इस तरह के जो भी ओपन करेंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस आपको दिख जाएगा। तो हम आपको यही कहना चाहते हैं कि आप जो भी जो कि चैट करते हैं, जो भी आप वीडियो किसी के पास भेजते हैं और चाहे उधर से आता है तो आपको जो कि व्हाट्सएप जो कि आपको सेव कर लेता है। तो आज हम आपको वही ट्रिक बताऊंगा कि आप कैसे उसे ऑफ है तो ऑन कर सकते हैं ताकि आप कोई भी चैट कर सकते हैं चाहे कोई भी, तो आपका जो कि कोई देख नहीं सकता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि हम व्हाट्सएप यूज करते हैं और जो भी अगर पर्सनल या कोई भी पर्सनल आप अगर व्हाट्सएप यूज करते हैं अगर ताकि वो सेफ हुआ तो हम उसे डिलीट कर दे या उसे रिमूव कर दे या कैसे हम उसे हटा दे ताकि हमारी चैट कभी ना रहे, आप जब भी चैट करते हो तो वहाँ आपको सेव कर लिया जाता है। तो चलिए अगर आप भी अगर जानना चाहते हैं कि ये कौन सी मतलब कहाँ सेव होती है, उसे हम कैसे हटाएं, तो आप इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा, स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर तक अभी तक हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमें चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को ऑल पर प्रेस कीजिए ताकि कोई भी हम वीडियो लाएं तुरंत नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए हम व्हाट्सएप को ओपन कर लेते हैं। तो ओपन करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस आपको दिख जाएगा। दिखने के बाद यहाँ आपको थ्री डॉट का ऑप्शन मिलती है, आपको थ्री डॉट यहाँ मिल जाती है, आपको थ्री डॉट पर क्लिक कर देना है। तो चलिए हम थ्री डॉट पर क्लिक कर देते हैं। जिसमें हम थ्री डॉट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ आपको सेटिंग का ऑप्शन मिलती है, आपको सेटिंग का ऑप्शन मिलती है, हम सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। हमने जिस सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक किया तो यहाँ आपको बहुत सारा जो कि नोटिफिकेशन यानी इंटरफेस आपको मिल जाती है। तो हमें क्या करना है, हमें चैट वाले ऑप्शन पर जाते हैं चलना है कि हम जो भी चैट करते हैं तो ये हमारी सेव क्यों होती है और हमें सेव वाले को कैसे जो कि हाइड करना है यानी कैसे हमें हटाना है। तो हम चैट वाले पर क्लिक कर देंगे। चैट वाले पर क्लिक करते हैं तो यहाँ आपको बहुत सारे जो कि फीचर मिल जाती है। तो हमें क्या करना है, हमें नीचे स्क्रॉल करते हुए आ जाना है। आने के बाद यहाँ आपको देख सकते हैं जो कि चैट बैकअप, चैट बैकअप मतलब यानी जो भी आप चैट करते हैं तो आपको बैकअप यानी आपको वही जो कि जीरोक्स यानी कॉपी रह जाता है, इसमें आपको व्हाट्सएप में रह जाता है। तो इसे हम कैसे इजीली जो कि हटा सकते हैं जो भी देखिए, तो हम इस पर सिंपली क्लिक कर देंगे। हमने जैसे ही क्लिक करेंगे तो उसे हम क्लिक कर देंगे चैट बैकअप पर। चैट बैकअप पर क्लिक करते हैं, देखिए हमारी जो भी हो रही है हमारी चैट वोट तो यहाँ क्या हो रही है, यहाँ सेव हो जा रही है। देखिए ये क्या कर, इंक्लूड वीडियो तो MB2। तो बहुत सारे जो कि ऐसे लोग होते हैं जो कि कहते हैं कि हमारी जो कि MB खत्म हो जा रही है, डाटा खत्म हो जा रही है। तो भाई क्यों खत्म हो रही है, आपका कारण यही है कि आप इसे जो कि ऑन नहीं, इसे ऑफ करना है, नहीं तो आपकी जो भी आप चैट करते हैं तो यानी आपको डाउनलोड हो जाता है, यानी डाउनलोड मतलब सेव हो रहा, सेव होता है आपका पूरा चैट वीडियो सब सेव हो जाता है, जब भी आप चाहें उसे निकाल सकते हैं। बट ये हमारे लिए बहुत ये मुश्किल खतरनाक चीज़ है, अगर हमारी कोई अगर ईमेल आईडी जानता है या चाहे कोई भी तो हमारी पूरी बायोडाटा आप जान सकते हैं। तो उसके बाद हमें ये देखिए ऑन है, यहाँ ऑन है, यहाँ आपको ऑन का ऑप्शन मिलती है, ऑन है तो इसे ऑफ कर देना है। हमने जिसे ऑफ किया तो हमारी जो भी चैट है तो हमारी जो कि चैट और वीडियो जो कि बंद हो जाएगी, अब हमारी सेव अप नहीं होगी, यानी हमारे घर वाले कोई फैमिली में कोई ईमेल आईडी जानता है तो अब नहीं देख सकता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, या फिर आपको गूगल अकाउंट मिल जाते हैं, गूगल अकाउंट में आपको सेव होता है जो भी आपको जो भी आप चैट करते हैं तो आपके जितने गूगल अकाउंट हैं यहाँ आपको सेव होता रहता है। ठीक है, तो आप इसमें सब गूगल अकाउंट में सेव करता रहता है तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसे छोड़ देना है। यहाँ आपको मिल जाती है बैक टू यू गूगल ड्राइव, आपको ये जो कि ड्राइव है आपको नेवर मतलब नहीं होता है तो आपको नेवर पर क्लिक कर देना। तो चलिए हम नेवर पर क्लिक करते हैं। जैसे हम क्लिक किए तो हमारी सब जितना था वो हमारी जो कि बंद हो गई, अब हमारी जो कि चैट जो है हम ही देख सकते हैं और हम ही डिलीट कर सकते हैं, उसके बाद हमारी ये सेव नहीं होगी। तो हमारी दी हुई जानकारी अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फिर आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक बाय बाय।